तो हेलो दोस्तों, राजस्थान पीएसटीसी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि रिजल्ट जो है कब डिक्लेयर होने वाला है, फाइनली जो रिजल्ट डेट है वो क्या रहने वाली है और कितने नंबर पर हमारा सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 89.10% ने जो है यहाँ पर प्री डीलेट की परीक्षा दी है, यानी यहाँ पर आप आंकड़ा देख सकते हैं कुल जो है 633,845 जो परीक्षार्थी है वो इस परीक्षा पीएसटीसी की परीक्षा में राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शामिल हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 89.10 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा समन्वयक एवं पंचक नीरू भारद्वाज ने बताया कि एनसीटीई द्वारा प्राप्त राज्य के 372 कितने 372 राज्य के व निजी क्षेत्र में यहाँ पर अध्यापक शिक्षा संस्थानों की 25,420 सीट पर यहाँ पर जो है एडमिशन होने वाला है। कितनी सीटें हैं तो यहाँ पर सीट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी 25,420 सीटों पर आपका एडमिशन होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि किनका सिलेक्शन होगा, कितने नंबर पर, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है और हमारा फाइनल में रिजल्ट जो है कब डिक्लेयर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा से परिणाम से जुड़ी भी यहां पर अपडेट दे दी गई है। नामांकन आवंटन एवं केंद्र निर्धारण से लेकर परीक्षा परिणाम की घोषणा एवं प्रवेश के लिए जो काउंसलिंग है वो भी विभिन्न प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। ठीक है, जितनी भी प्रक्रिया होगी, जितनी भी प्रोसेस होगी, चाहे वो काउंसलिंग हो, रिजल्ट हो, सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बीएसटीसी परीक्षा के रिजल्ट की, यानी रिजल्ट आपका कब जारी होगा, क्या कट ऑफ रहेगी और यहां पर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे कि काउंसलिंग क्या होती है, यानी रिजल्ट के बाद क्या होगा। तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर। राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा के रिजल्ट डेट और कट ऑफ मार्क्स जानने के लिए आपको हमारी वेबसाइट विजिट करनी है rjstudymonitor.com। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं rjstudymonitor.com पर सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा रिजल्ट का। यहाँ पर सबसे पहले आप बीएसटीसी 2022 के सेक्शन में देखेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कट ऑफ मार्क्स जो है रहने वाली है वो यहाँ पर फाइनल बता दी गई है और परीक्षा के रिजल्ट की क्या तिथि है, रिजल्ट जो डेट है वो यहां पर उसकी घोषणा भी देख सकते हैं। तो यहां पर आपको रिजल्ट डेट पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है और कट ऑफ अंक जानने के लिए कट ऑफ वाले पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आप देख सकते हैं राजस्थान बीएसटीसी रिजल्ट 2022 की रिजल्ट की घोषणा यहां पर आप देख सकते हैं। रिजल्ट कैसे चेक करना है यह भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो यहां पर आप देख सकते हैं द ऑफिशियल्स ऑफ राजस्थान बीएसटीसी डिपार्टमेंट विल रिलीज द राजस्थान बीएसटीसी रिजल्ट 2022 ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट एट द रेट pre-dlit.in पर जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन कब कर दिया जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं, तो राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा जो कि 8 अक्टूबर 2022 को परीक्षा की जो यहां पर आयोजन हुआ था उस परीक्षा का जो रिजल्ट है वो यहां पर आप देख सकते हैं नवंबर के प्रथम सप्ताह में, यानी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर मंथ यहां पर आप देख सकते हैं घोषणा की जा सकती है। समय समय पर रिजल्ट से जुड़ी अपडेट पाने के लिए आपको हमारे इस पेज को विजिट करना है और अब रिजल्ट को कैसे चेक करना है तो यहां पर पूरी प्रोसेस बता दी गई है, यानी इस वेबसाइट को विजिट करके आप रिजल्ट चेक करने से लेकर रिजल्ट देखने तक की पूरी जो है प्रोसेस यहां पर आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कट ऑफ, यानी कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, तो क्या 300 नंबर पर सिलेक्शन होगा, तो जी हां, यहां पर 300 नंबर पर भी सिलेक्शन हो सकता है क्योंकि जो पेपर का जो लेवल था उस हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ अब की बार जो है कम ही रह सकती है। ठीक है, बाकी रिजल्ट के टाइम आपको क्लियर पता चल जाएगी क्या कट ऑफ रहेगी। बाकी आपको टाइम टू टाइम वीडियो के माध्यम से और आपको हमारी वेबसाइट के माध्यम से जो ऑफिशियली जो यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहने वाली है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।